दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जब जब अमेरिका भारत पर किसी मुद्दे पर टिप्पणी करता है, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, तब तब दुनिया भर में बड़ी हेडलाइंस बनाई जाती है, लेकिन जब वही भारत उसी मुद्दे पर कड़ा जवाब देकर अमेरिका को समझाता है कि यह हमारा राष्ट्रीय मामला है और आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत को बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता। यह किसी साजिश से कम नहीं है जिसमें भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की जाती है। शायद आपको यह खबर भी न मिली हो कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को उनके बयान पर सटीक जवाब दिया है। और आप तो जानते ही हैं कि जब विदेश मंत्री जी बोलते हैं तो फिर चाहे अमेरिका हो या चीन, हर किसी को सही जवाब मिलता है। उन्होंने चीन को भी उन्हीं की भाषा में समझा दिया है। इसके अलावा इसराइल की नजर अब तुर्की पर भी है, जिससे तुर्की में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन यह सिर्फ एक खबर नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। याद रखें, जय हिंद कहना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस एच जयशंकर जी ने हाल ही में अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में हिस्सा लिया, जहां उनसे यह सवाल पूछा गया कि वे दोहरे मापदंडों पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियों को किस तरह से देखते हैं, खासकर जब भारत के आंतरिक मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इस सवाल पर जयशंकर जी का बेबाक जवाब आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब भारत कभी भी अमेरिकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, न ही किसी तरह की टिप्पणी या प्रतिक्रिया देता है, तो जब भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर सवाल खड़ा करने को मना करता है, तब अमेरिकियों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और जिस प्रकार से अमेरिका समय समय पर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करता आया है, उसे इन बातों से बचना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सारे जवाब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के सामने दिए जा रहे थे, जो अक्सर भारत के मामलों पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन इस बार जयशंकर जी के ठोस और तार्किक जवाबों के बाद ब्लिंकन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और अगर आपको लगता है कि जयशंकर जी का ये सिर्फ एक बयान है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे अमेरिका में बैठे अमेरिका के उच्चाधिकारियों के सामने इतने साफ साफ और कड़े शब्दों में बयान दे रहे हैं, जो दिखाता है कि यह नया भारत है। पहले इस तरह की सशक्त रणनीति देखने को नहीं मिलती थी और कई देश हमें बिना सोचे समझे टिप्पणी करके निकल जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तो दोस्तों, आपको जयशंकर जी के इस बयान के बारे में क्या लगता है? क्या यह भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एस जयशंकर जी का यह दूसरा बयान सीधे तौर पर चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी प्रकार के सीमा उल्लंघन को सहन नहीं करेगा। उन्होंने चीन के सीमा समझौतों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए कहा कि चाहे वह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो या अरुणाचल प्रदेश का, चीन ने बार बार अपने विशेष अधिकारों के खिलाफ जाकर फैसले लिए हैं। भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच आने पर अब वह खामोश नहीं रहेगा। जयशंकर जी ने चीन को आगाह किया है कि यदि वह अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है, तो भारत के साथ उसकी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने पहले ही चीन की इन्वेस्टमेंट्स पर कड़ी नजर रखी है और यदि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो भारत और भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल, ईरान और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की। हाल ही में इसराइल ने लेबनान और हमास पर एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं, जिनके बाद तुर्की ने इसराइल को लगातार धमकियां दी थीं। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, इस स्थिति का फायदा उठाता रहा, लेकिन अब जब इसराइल ने अपने दुश्मनों के बड़े नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो तुर्की भी घबराने लगा है। तुर्की की यह घबराहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि इसराइल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है। तुर्की, जो हमेशा से इसराइल पर बयानबाजी करता रहा है और उसके खिलाफ स्टैंड लेता रहा है, अब इस संभावना से डरा हुआ है। वहीं इसराइल के लिए भी तुर्की के खिलाफ
कोई कदम उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी बल्कि इसराइल को नाटो से भी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल सच में तुर्की को टारगेट करेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तुर्की के डर और इसराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए यह मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का बयान इसराइल के खिलाफ गहरी चिंता और सतर्कता का संकेत देता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसराइल की नजर अब तुर्की पर भी है, खासकर लेबनान पर हुए हालिया हमलों में इस्तेमाल हुए एडवांस हथियारों को देखकर तुर्की को यह साफ हो गया है कि इसराइल तुर्की के खिलाफ किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने में सक्षम है। तुर्की यह भी समझता है कि अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसराइल के पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं कि वह तुर्की को कड़ी चोट पहुंचा सकता है। हालांकि तुर्की अभी भी चुप नहीं बैठा है। ईरान के खिलाफ लगातार बढ़ते खतरे के बीच तुर्की खुलकर ईरान का समर्थन करता आ रहा है, पर अब जब बात तुर्की पर आने लगी है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तुर्की भी हथियारों के मामले में बेहद एडवांस हो चुका है, खासकर रूस के साथ उसके संबंधों को देखते हुए। तुर्की और रूस के बीच मौजूदा घनिष्ठ रिश्ते इस पूरे समीकरण को और जटिल बनाते हैं। अगर इसराइल तुर्की पर किसी भी प्रकार का हमला करता है, चाहे वह ड्रोन या मिसाइल के जरिए हो, तो रूस इसमें तुरंत शामिल हो सकता है। रूस का इस क्षेत्र में इवॉल्व होना अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सप्लाई के रूप में हो सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह तुर्की के साथ खड़ा भी हो सकता है। और यदि इसराइल ने ईरान पर किसी भी प्रकार का हमला किया तो हमें रूस की प्रतिक्रिया काफी तेजी से देखने को मिल सकती है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि कल एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल ने सीरिया के अंदर एक रूसी एयरबेस पर बड़े धमाके किए हैं। यह एयरबेस सीधे तौर पर रूस का था और इस पर हमला करके इसराइल ने एक बहुत ही गंभीर संकेत दिया है। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि अब रूस को सीधे सीधे इस पूरे विवाद में इन्वाइट किया जा रहा है। अगर रूस ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी और इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया तो दुनिया में एक बड़ा युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। रूस की सैन्य ताकत और इसराइल के साथ बढ़ते तनाव के कारण यह संघर्ष न केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। यह स्थिति विशेष रूप से नाजुक इसलिए भी है क्योंकि रूस और तुर्की के बीच मजबूत संबंध हैं और तुर्की भी इस पूरे विवाद में उलझा हुआ है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार द्वारा भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाना इस बात का संकेत है कि देश की आंतरिक स्थिति में बड़ा बदलाव हो रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान के अलावा न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल में तैनात राजदूतों को भी वापस बुला लिया गया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब इन राजनयिकों के रिटायरमेंट में अब भी काफी समय बाकी था, जिससे यह समझा जा सकता है कि सरकार ने यह निर्णय किसी राजनीतिक दबाव या तख्ता पलट के बाद बदलते हालात के चलते लिया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, खासकर तख्ता पलट के बाद, जहां सरकार और सेना के बीच सत्ता संतुलन बिगड़ गया है। इस अस्थिरता का सबसे अधिक प्रभाव वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी पर पड़ा है। पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की खबरें सामने आई हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी नाराजगी बढ़ी है। भारत, जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब उसी बांग्लादेश से इस तरह के कदमों का सामना कर रहा है जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए नकारात्मक हो सकता है। राजदूतों को वापस बुलाने का यह निर्णय आगे चलकर बांग्लादेश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारी पड़ सकता है। बांग्लादेश के इस हालिया फैसले से जो राजदूतों की अदला बदली की जा रही है, इसका न केवल बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा असर पड़ेगा बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। पुराने और अनुभवी राजदूतों को हटाकर नए राजनयिकों को तैनात करना, जो शायद अभी बांग्लादेश की नई सरकार के खास लोग होंगे, इस बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खींचातानी बढ़ सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में कमी आएगी क्योंकि नए राजदूतों को पहले से बने हुए नेटवर्क को समझने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने में समय लगेगा। इसके अलावा नए राजदूतों की विचारधारा और उनके
के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अनुभव भी सवालों के घेरे में रहेगा, जिससे बांग्लादेश को अपने सबसे बड़े आर्थिक संसाधन टेक्सटाइल निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में पहले से ही 700 से 1000 फैक्ट्रियों का शटडाउन हो चुका है और यह नया कदम इन इंडस्ट्रीज को और भी बड़ा झटका दे सकता है। बांग्लादेश के इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन अभी के लिए यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश को कमजोर कर सकता है। आपकी राय इस फैसले पर क्या है, कमेंट में बताओ। साथ ही ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।